नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं दिविज भोगना विधानसभा में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पे विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इन कर्मचारियों पर आरोप है और पुलिस के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है कि विधानसभा के जो विशेष कार्याधिकारी हैं उनके खिलाफ कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही है। तो क्या कुछ ये आरोप हैं, क्या कुछ इन आरोपों में सच्चाई है, इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी सच्चाई है इन आरोपों में, जो ये जो प्रकरण सामने आ रहा है इसको थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 7 तारीख को हमारा केस लगा हुआ था, 7 जनवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हमारा केस था। तो उस दिन हमको 25 फरवरी की नेक्स्ट डेट मिली है, अभी जब अभी आगे होगा जो केस। सेम डे 7 तारीख को ही, 7 जनवरी को हमारे अगेंस्ट एक एफआईआर करी गई है। 7 जनवरी को जिस दिन हमारा रिजल्ट आया उसे थोड़े टाइम पहले ही करी गई थी। उनको शायद पता लग गया होगा कि हमारी डेट आगे बढ़ने वाली है, तो एक विधानसभा की तरफ से कार्रवाई वैसे करी गई हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए। और उसमें उन्हें रीज़न क्या दिए हैं, वो कह रहे हैं व्हाट्सएप चैट के थ्रू हम उस चैट में उनको धमका रहे हैं। हमारा एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप में, हमने उस पर हम आपस में बात कर रहे हैं और उस वैसे ग्रुप हमारा है व्हाट्सएप में, उसमें हम बातें भी चलती रहती हैं, नॉर्मल हंसी मजाक की कुछ भी बात चलती रहती है। वो उस तथ्य को लेकर के उन्होंने हमारे खिलाफ, मैं आपको बताऊँ कौन कौन सी धारा लगाई हैं। उसमें आईपीसी में 102 लगा, 120 लगा रखी है, एक 504 है आईपीसी की, एक 506 और 507। मतलब आईपीसी 120 होती है एक राय होकर आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए, एक आईपीसी 504 लगा रखी है लोक शांति भंग करना, एक 506 लगा रखी किसी को जान से मारने की धमकी देना, और एक 507 लगा रही गुमनाम होकर कोई झूठी सूचना के देकर किसी को धमकाना। तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये एक साजिश है क्योंकि हो क्या गया है। अब हमारे इस धरने को देखते हुए हमको आज 21 दिन हो गए हैं बैठे हुए, तो सब लोग सपोर्ट में आ रहे हैं हमारे, जैसे UKD हमारे सपोर्ट में है, आम आदमी पार्टी हमारे सपोर्ट में है, कांग्रेस अभी सब आ चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष आ चुके हैं, उससे पहले अध्यक्ष पहले जैसे करण मेहरा जी आए थे, हरीश रावत जी आए थे और काफ़ी मदन बिष्ट जी आए थे, काफ़ी सारे लोग हमारे सपोर्ट में आए। तो ये देखते हुए अब उनको भी लग रहा है, विधानसभा की तरफ से इनको लग रहा होगा कि इनका आंदोलन और स्ट्रांग होते जा रहा है, अब कुछ इनका हल निकालना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे आंदोलन को तोड़ने की एक साजिश है ये। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम मुश्किल से विधानसभा से हम 20 कदम की दूरी पर बैठे हुए हैं, आज हमको 21 दिन हो गए हैं। क्या मैडम ये नहीं कह सकती थी किसी को, 4 लोग आपके अंदर आके बात कर लेते हमसे तो हम ऐसे उठ जाते? और मैडम 21 दिन से हमसे बात करने को तैयार नहीं है, मतलब इसमें आप बताइए कहाँ पर हम कहाँ पर गलत हैं? जो भर्ती प्रक्रिया है वो सबकी सेम है, तो कार्रवाई केवल 2016 के बाद वालों पे ही क्यों गई? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं साजिश छुपी हुई है कि 2016 के वालों पे ही कार्रवाई करना, ये गलत चीज़ है। अगर न्याय करते तो पूरा करते, जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे हम भी अंदर काम करते, और फिर सब के सब पे जो कार्रवाई होती है, जो भी होता वो होता। सर, ये जो आरोप लग रहे हैं विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के ऊपर, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो विधानसभा के विशेष कार्याधिकारी हैं उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप है, मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है पुलिस, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आज हमें बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात को कहते हुए कि जो लोग अहिंसात्मक तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए कि भाई हमको बर्खास्त गलत किया गया, और आज मुकदमा उन्हीं के ख़िलाफ़ पुलिस थाने में दर्ज होता है, और ये कहा जाता है कि साहब कुछ लोगों के द्वारा चैट में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, तो भैया अगर ऐसे करके मुकदमा करके डराने की बात करें तो ये डरने वाले नहीं हैं, और ना ऐसी अभद्र भाषा का कोई प्रयोग किया होगा। जहाँ तक सवाल कानून प्रशासन का है तो ये बच्चे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, हम लोग भी समर्थन में आए हैं, मैं तो थ्रू बिगनिंग से शुरू उसमें बैठा हूँ, और आज सब लोग यहाँ पर जो हैं सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं, एक्स मिनिस्टर राग, मैं भी एक्स मिनिस्टर हूँ, हीरा सिंह बिष्ट जी भी आ रहे हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी आ चुके हैं, हमारे करण मेहरा जी भी आ चुके हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो मुकदमा दर्ज करने का मामला है, इससे शासन प्रशासन की जो है ये एक किस्म से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है, और ऐसी बातों से कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, वो प्रूफ करें, बताएं कि क्या हुआ है। एक प्रकरण आ रहा है कि व्हाट्सएप ग्रुप इन कर्मचारियों के द्वारा बनाया गया है जिसमें विधानसभा के अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। अरे इस पर एक बात सुनो, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर चैटिंग हो रही है, अब कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है सबका तो ठेका नहीं लिया जा सकता ना, कोई भी आदमी कहीं से भी बात कर सकता है, अब जिसने किया है उससे बात करो ना, लेकिन सबके खिलाफ आप जो हैं एक ग्रुप के खिलाफ पूरा आप मुकदमा दर्ज करो तो ये बिल्कुल गलत है और ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। मैडम, 22 दिन से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप में से ही कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है कि विधानसभा के विशेष कार्याधिकारी के खिलाफ आप में से कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सच्चाई है?
मेरे को इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। मुझे ऐसा लगता है कि न्याय करने के बजाय हमें डराया धमकाया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं, हम इतने शांतिपूर्वक 22 दिन हो चुके हैं, इतनी शांति तरीके से हम यहाँ पे अपना धरना दे रहे हैं। हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है जिस जो इतनी बातें आज उठ रही है, हमारी बदनामी की जा रही है और हमारे खिलाफ ही हमको डराने के लिए, हमको धमकाने के लिए है, आंदोलन को तोड़ने के लिए है। लेकिन हम नहीं डरने वाले, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। सांझ को आँच कैसी, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये कौन लोग हैं जो ऐसे FIR लिख लेते हैं बगैर सच्चाई। क्या सच्चाई क्या है इसमें, मेरे को तो अभी तक ही समझ ही नहीं आया कि किस बारे में ये बात हो रही है, किस बारे में ऐसी बातें उठ के आ गई कि भाई इन्होंने कुछ किया है या इनके कोई ऐसे साजिश होगी। ये क्या साजिश रखेंगे अपने बच्चों को लेके। देखिए आप, इतनी छोटी बच्ची को लेके हम ऐसे बैठे, हम क्या साजिश करेंगे किसी के लिए। हम खुद अभी ऐसे हैं, बेचारे बने, हमें नौकरी नहीं, हमारे फीस देने के पैसे नहीं, हमें कोई बीमार हो जा रहा है, हमको हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं है, तो हम किसी के लिए क्या साजिश करेंगे। ये हमको डराने के लिए किया जा रहा है, हमको यहाँ से उठाने के लिए किया जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है 22 दिन के लिए, ये नहीं सोचा जा रहा ये ठंड में मर रहे हैं इनका क्या होगा, उसके बजाय हमको डराने के लिए, हमें उठाने के लिए ये तरीका अपनाया जा रहा है। एक व्हाट्सएप ग्रुप का प्रकरण सामने आ रहा है कि विधानसभा के अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो क्या कुछ इसमें मामला? बिल्कुल नहीं, कोई अभद्र भाषा नहीं की है किसी ने, कोई ऐसा कोई हमारे ग्रुप में ऐसा ना कुछ हुआ है, ना कोई हम ऐसी अभद्र भाषा करते हैं, क्योंकि हम कर्मचारी लोग हैं, हम क्यों, हम कोई क्रिमिनल लोग थोड़ी ना किसी के लिए अभद्र भाषा करेंगे या कुछ करेंगे। हमारा ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं, ग्रुप चैट पढ़ सकते हैं, ये डराने धमकाने के लिए हमारा कोई ग्रुप चैट में ऐसा कहीं नहीं है, कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, कोई ये झूठ बोला जा रहा है, डराने के लिए सब आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, कोई ग्रुप हमारा ऐसा नहीं है कि जिसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये हमको डराने के लिए है, हमको उठाने के लिए है यहाँ से। देखिए, अभद्र भाषा का प्रयोग हम में से किसी ने नहीं किया है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं और विधानसभा में और जितने भी कर्मचारी हैं उनसे कहीं ज़्यादा योग्यता वो लोग रखते हैं जो बाहर बैठे हैं। तो अभद्र भाषा का प्रयोग करने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, हमारी नारेबाजी है, वो हमारा हक है, हम हक मांग रहे हैं विधानसभा से अपना कि हमको क्यों बाहर बैठा दिया गया है, क्यों सड़कों पे बैठा दिया गया है। एक आक्रोशित आदमी इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। गांधीवादी तरीके से बैठे हैं, मुकदमा आपने हम पर ठोक दिया, तो क्या मंशा है कि हमें यहाँ से भी उठवा दिया जाए। क्या हम आतंकवादी दिखते हैं या हम कोई ऐसे गैंगस्टर बैठे हुए हैं यहाँ पर, सीधे साधे बैठे हैं। और इतने लंबे समय से 20 दिनों से यहाँ टिके रहना ही अपने आप को साबित करता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांग को मांग रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं। और सबसे बड़ी बात है सर कि हम रोटी की मांग कर रहे हैं, आज हमें रोजी रोटी से भी विमुक्त कर दिया गया है। तो रोजी रोटी की मांग करने वाले लोगों से क्या खतरा हो सकता है कि मुकदमा लिखवाना पड़ जाए, ऐसा क्या खतरा है, कहाँ नज़र आ रहा है खतरा, क्या हम खतरा नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि हम भूखे प्यासे लोग यहाँ पर बैठे हैं और आज हमें नौकरी से भी विमुक्त कर दिया गया है और बाहर बैठा दिया गया है, तो शायद इनको यही खतरा लग रहा है कि हमारा भूखे प्यासे रहना और हमारा उपवास में बैठना ही इनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, इसलिए आज मुकदमेबाजी हो रही है। और किस किस मंशा के तहत मुकदमा किया गया है पहले तो ये बताएं, किसको ऐसी क्या बात बोल दी कि मुकदमा करा दिया गया। आरोप है कि साजिश रची जा रही है विधानसभा में। कोई साजिश नहीं रची गई है सर, साजिश रचनी होती तो तब रच दी गई होती। लेकिन हम लोगों की तो मंशा ही, जब हमारे लिए इतनी पुलिस फोर्स बुला दी गई थी, जिस दिन हमें टर्मिनेशन लेटर दिए गए थे उस दिन हमने क्या किया, हम तो आंसू लिए हुए बाहर आ गए ना चुपचाप। और आज जब हमें डबल बेंच से भी मार पड़ा दी गई है तो अब हम क्या करेंगे ऐसी हालत में। हमें तो अब ये गांधीवादी तरीका ही दिखता है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ बैठे और अपनी मांगों को मांगें, यही तो कर रहे हैं। उसमें भी आप हमें मिलने नहीं आ रहे, आपको खतरा बना हुआ है कि हम इनके बीच में कैसे चले जाएँ। तो मेरे ख्याल से उस खतरे के डर से मुकदमेबाजी हो रही है। बाकी ये बताएं तो ऐसा किया क्या हमने। तो 21 दिन से कर्मचारी यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी आरोप इन पर लगाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद हैं, सभी झूठे हैं और मुकदमा इसलिए दर्ज किया गया है ताकि यहाँ पे इनको धरना प्रदर्शन करने से रोका जा सके। तो अब 25 फरवरी को इनके मामले में सुनवाई होनी है हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती है। ये तमाम सारी लेटेस्ट अपडेट्स इस मामले की हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं दिव्य। नमस्कार।